नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे गणित क्लास 8 का 6.4 यानी प्रश्नावली 6.4, और इस पार्ट का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो इसके 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक तो आपको पहले की वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, पिछले 3-4 वीडियोज़ में हमने बताया हुआ है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कंप्लीट बता दिया गया है। तो यहाँ तक तो बता दिया गया है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, यानी ये दोनों आज समझाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। और इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके वो सारे वीडियोज़ देख लीजिए, और इसके साथ साथ आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपसे आगे के क्वेश्चन अच्छी तरह से बन जाए। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे आपको बेसिक मैथ्स का भिन्न घटाना जो भी होता है सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, और क्लास 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वो सारे वीडियोज़ भी आप देख लीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या याद कीजिए जिसकी उसकी आवश्यकता हो। तो क्वेश्चन को एक दो बार आपको अच्छे से पढ़ना है तो समझ में आएगा कि एक माली है, माली के पास 1000 पौधे हैं। अब वो इतने पौधे उसके है कि हर पंक्ति में इतनी पंक्ति लगाना चाहता है कि हर पंक्ति में उतनी जितनी पंक्तियाँ रहें उतने ही पौधे भी रहें। तो इसके लिए उसको कितने और पौधों की आवश्यकता होगी, 1000 से ज़्यादा और क्या जोड़ दे उसमें, कितने पौधे ले ले वो कि जिससे उसकी पंक्तियाँ और हर पंक्ति में उतने ही पौधों की संख्या बराबर हो जाए। तो चलिए देखें इसको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, जितने जो दिया हुआ वो चीज़ें लिख ली हैं, जो हमको निकालना है वो चीज़ें हमने लिख लिया है। तो कुल पौधों की संख्या कितनी है, अभी जो है माली के पास 1000 पौधे अभी उसके पास में हैं, और हमको निकालना क्या है कि 1000 पौधों को कितनी पंक्तियों में वो लगाएगा कि हर पौधे पंक्तियों में जितनी पंक्तियों की संख्या रहे उस उतनी ही पौधों की भी संख्या हो। जैसे अगर वो तीन पंक्तियाँ बनाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए वो तीन पंक्तियों में पौधों को लगाता है, तो हर पंक्ति में वो तीन तीन ही पौधे लगाएगा। अगर चार पंक्तियां लगाता है तो हर पंक्ति में चार चार पौधे लगाएगा। तो 1000 पंक्तियां पौधे हैं उसको, तो कितनी पंक्तियां बनेंगी और कितने पौधे हर पंक्तियों में लगेंगे ये हमको निकालना है, और उसको उसके बाद भी हमको कौन कितने और ज़्यादा पौधों की संख्या बचेगी, यानी हम उसको और कितने पौधे लेने लगे पड़ेंगे जिससे सारी पंक्तियों में पंक्तियों की भी संख्या समान रहे और उसके साथ साथ हर पंक्तियों में पौधों की संख्या भी समान हो। तो चलिए इसको देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें 1000 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले हमको 1000 का वर्गमूल भाग विध से निकालना है। तो 1000 का वर्गमूल हम भाग विध से निकालते हैं, तो इसमें हो जाएगा, अब ये वर्गमूल निकालने की भाग विध आपको पहले वाले वीडियोज़ में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से भाग विध से वर्गमूल अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दो दो का जोड़ा इकाई की तरफ से बनाते हैं, तो इसमें एक 2 00 का जोड़ा बन गया और एक 10 का जोड़ा बन रहा है। तो हमको अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या भरनी है जिसका वर्ग जो है वो 10 के आसपास हो। तो अगर हम 3 भरते हैं तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, जो 10 के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे 3 भरेंगे, यहाँ भी 3 भरेंगे, यहाँ पे 3 त्रिकाई नहीं हो यानी जो 3 का वर्ग होगा यहाँ पे भर करके 10 में घटाना पड़ेगा, और जो इतना कर रहे हैं जिसका वर्ग ले रहे हैं उसको हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 में से 1 घट गया तो आ गया कितना, 9 आ गया, 1 आ गया, और इसके साथ साथ 3 में 3 जुड़ जाएगा, ये दोनों ये इधर वाला जुड़ जाता है, इधर वाला क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 3 3 6 हो जाएगा, और आगे वाला अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे का पूरा पूरा जोड़ा 2 जोड़ा उतार लेंगे। तो ये हो गया 100, और यहाँ हमारा आ रहा है 6। अब हमको 6 के बगल में एक ऐसी संख्या भरनी है जिसका हम उसी में गुणा करें तो कितना आ जाए कि 100 आ जाए। तो 6 के बाद हम अगर 1 भरते हैं तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 आता है। अगर हम 2 भर के चेक करते हैं तो 2 का ही गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 6 2 12, यानी उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है, अगर कम होता है तो चल जाएगा। तो 1 भरेंगे तो यहाँ भी ऊपर भी 1 भरना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 61। अब हमारा अगर जोड़ते हैं घटाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 100 में से 61 घटेगा तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 घटा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और ये 1 यहाँ भी भरना पड़ेगा तो ये 62 हो जाएगा, यानी 39 हमारा यहाँ पे शेष फल बच रहा है, और इधर कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। तो अब हमारा जो 31 आ चुका है, यहाँ पे देखेंगे तो 31 आ चुका है, तो 31 का जो वर्ग होगा यानी 31 का वर्ग वो
दस 1000 से छोटा होगा। 31 का वर्ग कितना आता है, लगभग आता है आपका 31 का वर्ग निकालेंगे तो 961 आ रहा है, जो 1000 से छोटा है। तो 31 के बाद अगर वर्ग निकालेंगे तो 32 का वर्ग आएगा, तो 32 का वर्ग जो होगा वो 1000 से बड़ा होगा, यानी जो 1000 के आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 32 से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा होगी, और 32 का जो वर्ग होगा वही क्या होगा, 1000 का, 1000 के बाद की पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 32 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 32 का वर्ग का मतलब 32 में 32 का गुणा करना है, तो 32 में 32 का गुणा करेंगे तो आएगा 1024। तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई है 1000 के बाद, यानी 1000 के आगे की पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो क्या आ गई है, 1024 आ चुकी है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे कि यही हमको इतने ही पौधों की आवश्यकता है, यानी एक अब 1000 के बाद अगर हम पौधों को जोड़ेंगे तो 24 पौधे अगर और हम कोई ये व्यक्ति ले लेता है, यानी मान लीजिए अगर 24 पौधे और ले लेता है तो उसके पास पंक्तियों की संख्या भी बराबर हो जाएगी, हर 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 पंक्तियों में बराबर बराबर पौधे भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अतः माली को आवश्यक और पौधे, अब और 1000 से ज़्यादा कितने पौधे उसको लेने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1024 हमारे पास जो संख्या आई है उसमें से 1000 को घटा देंगे। तो 1000 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी 24 पौधों की आवश्यकता और पड़ेगी, जिससे प्रत्येक लाइन में बराबर बराबर लाइन भी हो जाएंगी और उसके साथ साथ पौधों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः कुल आवश्यक पौधों की संख्या बराबर 1000 प्लस 24 पौधे और लगेंगे, तो ये 1000 प्लस 24 यानी 1024। अब पंक्तियों की संख्या निकालनी है, तो पंक्तियों की संख्या यानी 1024 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो ये पंक्तियाँ यानी कुल पंक्तियाँ कितनी होंगी, तो 1024 का वर्गमूल हमने 32 का वर्ग निकाला था, तो 1024 आएगा, तो 1000 का वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा। तो ये पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 32, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 32। तो यहाँ पे लिख देंगे, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 32। तो ये दो दो आंसर आ गए, यानी पंक्तियों की संख्या 32 हो जाएगी और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 32 हो जाएगी, और कुल पौधों की आवश्यकता उसको कितनी पड़ेगी, 1024, जिसमें से 1000 उसके पास पहले से हैं और 24 पौधे और ले लेगा, तो बराबर बराबर पंक्तियां आ जाएंगी और बराबर में पंक्तियों में पौधों की संख्या भी बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको करना, सबसे पहले कुल पौधों की संख्या, जिसको उसके पास पहले कितने पौधे थे, 1000 थे, तो 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 31 आता है, अब इसका वर्गमूल कुछ शेषफल बच जाता है, तो हमको शेषफल में इसको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले 31 के आगे का एक संख्या आगे का वर्गमूल निकाल लेना है। तो 31 का वर्ग था 961 और 32 का, 31 का आगे वाला निकालेंगे तो 32 का वर्ग आ जाएगा 1024, यानी यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुल पौधों की संख्या उसको जरूरत कितनी पड़ेगी, 1024। अब एक जिसमें से 1000 उसके पास पहले से थे और 24 अगर और ले लेगा तो 1024 हो जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 32। इसमें अगर आप समझेंगे तो अगर इस तरह की 32 पंक्तियां हैं तो हर पौधों में, हर पंक्ति में 32 32 ऐसे पौधे भी लगेंगे, यानी 32 पंक्तियों की संख्या भी हो जाएगी और 32 पौधों की संख्या भी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। अब इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, ये हमको निकालना है। तो 500 विद्यार्थी है जिसमें से इतनी कुछ पंक्तियाँ बनानी है और प्रत्येक पंक्ति में समान बच्चे ही रहें, यानी हर पंक्ति में बराबर बराबर बच्चे रहें, जितनी पंक्तियाँ रहें उतने ही बच्चे भी रहें। तो इसमें कितने बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा हमको निकालना है। तो चलिए देखें इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 500 है, जिसमें से अब इसमें निकालना क्या है कि कुल, अब ऐसे बच्चों को खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर बराबर बच्चे रहें और जितने बच्चे एक पंक्ति में रहे उतनी कुल पंक्तियों की संख्या हो। जैसे अगर चार बच्चे एक पंक्ति में हैं, 1 2 3 4, तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और बाकी जो बच रहे हैं उसमें से 500 में से जो बचेंगे उसको क्या कर देना है, उतने बच्चों को बाहर कर देना है, और बाहर करने वाले बच्चों की संख्या भी निकालनी है।
इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विषयक वर्गमूल करेंगे और 500 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 500 का वर्गमूल सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ भी वर्गमूल करने के लिए इकाई की तरफ से दो दो का जोड़ा बनेगा, तो एक दो 00 का बन गया और एक 5 का बन गया। तो यहाँ से दो का करेंगे तो दूनी 4, यानी 4 घटाना पड़ेगा और यहाँ भी ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 में 2 जुड़ जाएगा, इधर 5 में से 4 घटेगा, तो 2 में से 2 जुड़ा तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा घटने पर। और आगे वाला 20 यहाँ पे उतार लेंगे सिंपली। अब यहाँ पे हमको 4 के बगल में कुछ ऐसा चीज़ भरना है जिसको गुणा करें उसी में से तो 100 आ जाए या 100 के आसपास रहे। तो 4 के बगल में हम अगर 2 भरते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 84। और अगर 3 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 3 भर के चेक करते हैं तो 3 त्रिकाएँ 9 और 4 3 12, यानी 129 ज़्यादा आ रहा है। तो हमको ज़्यादा तो नहीं करना है, उसके कम रहे या तो उसके बराबर में रहे। तो यहाँ पे हम 2 भरते हैं तो 2 ऊपर भी यहाँ भी भरना पड़ेगा और 2 यहाँ भी भरना पड़ेगा, और गुणा करने पर जो आ रहा है तो उसमें 100 में से हमको घटाना है। तो 42 में 2 का गुणा किए हैं तो 84 आया हुआ है, तो यहाँ पर घटाएँगे और इसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, और यहाँ पे अगर जोड़ घटाते हैं तो ये बचेगा कितना, 16 बचेगा। अब ये जो 16 आ रहा है वही क्या है, हमारा आंसर आएगा, यानी शेष बच्चों की संख्या कितनी होगी, 16। यानी 16 बच्चे अगर हम 500 में से घटा देते हैं तो सभी पंक्तियों में बराबर बराबर बच्चे भी आ जाएंगे और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बराबर, और पंक्तियों की भी संख्या उतनी हो जाएगी जितने प्रत्येक पंक्ति में बच्चे हैं। तो अब दो आंसर, एक तो 22 आ गया है, एक क्या है, 16। तो यही दोनों हमारा आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 22 हो जाएगी, 22 पंक्तियाँ रहेंगी टोटल मिला करके, और प्रत्येक पंक्ति में बच्चे भी 22 ही हो जाएंगे। तो वो भी लिख देते हैं, प्रत्येक पंक्ति में बच्चे 22, यानी प्रत्येक पंक्तियों की संख्या भी 22 ही रहेगी और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 22। और जितने बच्चों को बाहर करना है, यानी 500 में से कितने बच्चे बच जाएंगे, तो बच्चों की संख्या कितनी बचेगी, 16। और यहाँ पे लिख देंगे और 16 बचे हुए बच्चों की संख्या बराबर 16। तो ये 3 आंसर आ गए हैं। सबसे पहले एक पंक्तियों की संख्या आई है 22, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी है, 22, और जितने बच्चे बच जाएंगे उसमें से उसकी संख्या कितनी है, 16। तो इस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले क्या किया, दिया हुआ था कि बच्चों की संख्या 500 थी, अब 500 में से कितने बच्चे हटा दें कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर बराबर बच्चे भी आ जाएं, और जितने बच्चे रहें एक पंक्ति में उतने ही बच्चों की पंक्तियों की संख्या भी हो जाए। तो सबसे पहले 500 का वर्गमूल हमने निकाल ली, जिसमें से 16 शेषफल बच रहा है और 22 उसका वर्गमूल आ रहा है। तो पंक्तियों की संख्या 22 हो जाएगी, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या 22, और जितना शेषफल बचेगा उतने ही बच्चों को हमको वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कम्प्लीट हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ पूरा पाठ भी कंप्लीट हो गया है। 6.4 के साथ साथ ये पूरा क्वेश्चन इसका बता दिया गया है, और इसके साथ साथ पिछली प्रश्नावली भी आपको कई सारे वीडियोस में मिल जाएगा। तो 6 पाठ आज के बाद से कंप्लीट है। इसके आगे का पाठ जो है घन और घनमूल, जिसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।